तो मेरे भाइयों, मैं इसमें वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि IBPS आर आर प्रीलिम तो हर किसका लेवल किस टाइप का था। तो वो मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल था और होप्सो की सार भी इस टाइप का ही क्वेश्चन पेपर बने। तो ये देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन सर्कुलर टेबल बेस्ड था सीटिंग अरेंजमेंट पे और थोड़ा आसान था ये वाला। उसके बाद इनइक्वालिटी तो आपको पता ही आसान होती है, तो आप देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन था ये। उसके बाद कुछ वर्ड्स यूज़ करके, मतलब ये अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था, आप देख लीजिए पढ़ के। और ये फिर रैंकिंग से क्वेश्चन था। और अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई हुई है इस पर, तो मगर इसमें मैं थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चंस को, किस टाइप के क्वेश्चंस थे ये। मैं लास्ट में आंसर भी दिखाऊंगा आपको इसके, तो आप जो है बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक देखिए। और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम या उस पर मैंने लिंक नीचे डाल रखा है, उस पर देख लेना बात करके। और ये 10 पीपल वाली थी जिसमें मतलब मंथ्स के 2 डेज पे मतलब बंदे आते जाते रहते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। आप पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, मैंने जूम करके दिखा रखा है आपको। और आपको इस प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि इसमें मैं सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ, तो आप अपने आंसर से मिला सकते हो। मिसिंग DII थी, बोलो मिसिंग DII नहीं, मतलब वो मिसिंग नंबर सीरीज आई थी जो थोड़ा डिफिकल्ट होती है करना। इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, अगर आप थोड़ा सोच के और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये DII थोड़ा आसान थी लेकिन कैलकुलेटिव तो होती है, आपको पता है ये DII। तो उसके बाद एक और DII थी ये, तो अगर आप देखा जाए कि DII आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सके। और ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर 10 या 11 के आसपास वेरी करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन DII पे ही बनते हैं। ये भी एक DII थी 5 नंबर की। उसके बाद आपको इसमें क्रेडिट रिविजन भी देखना पड़ेगा, मिलेगा, जो कि RRB क्लर्क में नहीं आई थी। तो आप इस तरीके से यहाँ देखिए इसके आंसर, आप आंसर ज़रूर मिला लेना लास्ट में अपने से। मैं आंसर्स को थोड़ा रुक के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आंसर समझने में आसानी हो। आप भी स्क्रीन को रोक के आंसर चेक कर लेना बढ़िया करके, अपना तैयारी कीजिए बढ़िया, रिजल्ट आएंगे आपके। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरे पास एक बुक कौन से, तो मैं बुक भी दिखाऊंगा लास्ट में कौन सी बुक है ये। अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर लेना, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब इतना इजी भी नहीं था इतना हार्ड भी नहीं था। तो नेक्स्ट में थोड़ा सा RRP उस प्रीलिम्स 2020 का दिखाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो ये वाली बुक है मेरे पास। अगर आपके पास टाइम नहीं है किसे परचेस कर सके, थोड़ा मनी प्रॉब्लम है, तो आप मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।